सीरियल दीवानी में बहुत लड़ाई झगड़ा और बातों के बाद फाइनली उसका गृह प्रवेश हो जाता है। कलश रखती है नंद और वह अंदर आ जाती है। गर्व गुस्सों में यहाँ पर अपने को नुकसान पहुँचा लेता है। वह पैर बनाकर अंदर आती है और दादी उसका स्वागत करती है, कहती है तुम्हारा नई जिंदगी में स्वागत है। गर्व देखकर बहुत चिढ़ता है, कमरे में ले आती है नंद उसे और वह बैठ जाती है। कहती है सब क्या हो रहा है। उसे लगता है कि माँ और सारे लोग मुझे इतना भला बुरा कह रहे हैं। वह पानी देती है, पानी गिरने वाला होता है तो बचा लेती है और कहती है आप आराम कीजिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बोलती है कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया है सबके साथ, सबका दिल बहुत दुखाया है, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन उसकी नंद बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा आराम करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर गर्व पार्थ से कहता है कि तू कितना बुरा है, मैं तुझे कितना चाहता था, तू मेरा छोटा भाई है लेकिन तूने फिर भी मेरे साथ इतना गलत किया। और यहाँ पर आता है कमरे में तो वह अपने आंसू छुपाकर कहती है कि कुछ नहीं है, मैं याद कर रही हूँ माँ की बातें। तो बोलता है ये लो बात कर लो माँ से, कोई बात नहीं है, वो तो माँ है, ऐसा बोल देती हैं। वह फ़ोन देता है, फ़ोन लगाती है तो उसकी छोटी बहन उठा लेती है और कहती है दीदी तुमने ऐसा क्यों किया, माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और उन्हें कसम दिलाई है हम तीनों को कि बात नहीं करना। वह कहती है मत बताओ, लेकिन फिर भी वह बताती ये कहती है उन्होंने कहा है कि वह हमारे लिए मर गए और हम कभी बात नहीं करेंगे। फोन कट जाता है। पास से कहती है कोई बात नहीं, केवल आप हमारे दोस्त बन जाइए और हमें ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। पार्थ क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ऐसा होता रहता है। तभी थोड़ा खुश हो जाती है मीरा, उससे कहती है हाथ मिलाओ, आज से हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और वह हाथ ऐसे ही आगे करता है तो उसे याद आ जाती है पायल की, कि पायल से भी उसने दोस्ती के लिए ऐसे ही हाथ बढ़ाए थे। यहाँ गर्व परेशान है, उसे दिखता है कि मीरा आ गई है और उसके ऊपर हंस रही है, उसका मजाक उड़ा रही है कि तुम कितने बुरे आदमी हो, तुम्हारे जैसे आदमी से मैं कभी शादी नहीं करूँगी।